क्या बात होगी दादी, हम सबको क्यों बुलाया तूने यहाँ पे? जरूरी काम है। अरे जुकाम है तो मुझे बता देती दादी, दवाई ले आता, सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे जुकाम नहीं दादी, कह रही उन्हें कुछ काम था। काम किसका? नाम यार, नाम नहीं, काम। काम ग से कमला, आ से आम, काम। चुप करोगे तुम दोनों? एमा खुल के बताना क्या बात है? इल्जाम लगाए मारे पर। इल्जाम? कैसा इल्जाम? मारी माँ के ऊपर किसने इल्जाम लगाया? मारी बहुओं ने। चंचल और ममता को लगता है कि मैं इन दोनों में भेदभाव करती हूँ, इच्छा को ज्यादा महत्व देती हूँ, इच्छा को ज्यादा प्यार करती हूँ, और इन दोनों के पीछे मैं घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे इच्छा को दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दादी। दीदी, माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, आपको कोई गलत फहमी हुई है। दादी ने ऐसा भेदभाव कभी नहीं किया। बिल्कुल, माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ, एक बार अगर आमने सामने बैठकर सारी बातें साफ हो जाएं तो अच्छा होता है। बच्चा होता है? अरे आमने सामने बैठने से बच्चा थोड़ी ना होता है। बच्चा तो गलत वक्त पर गलत शब्द सुनता है आदमी, और शर्मिंदा मुझे होना पड़ता है। अरे क्या गलत बोल दिया मैंने? उन्होंने बच्चा ही तो कहा था। बच्चा नहीं, अच्छा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, हो गया दो ना। एमा, एक बात बोलूं? मारेगी तो नहीं? बोल। मां देख, वैसे तो मैं औरतों के झगड़े के बीच में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है मारी चंचल गलत ना हो सकती। भारी माँ गलत हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? तूने कहा नहीं, लेकिन मैंने साफ साफ सुना। अगर तुम सबको लगता है कि मैं गलत हूँ, भेदभाव करती हूँ, तो ठीक है, हो जाने दो। दूध का दूध, पानी का पानी। अरे भाई, ये झगड़ा दूध और पानी की वजह से हो रहा है क्या? बोले 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 बोले। अरे पता ना, अगर उसकी वजह से हो रहा है तो बहुत छोटी सी वजह है। चंचल, तू चाहती है ना कि बहुओं में प्रतियोगिता हो, तो होगी। अरे लेकिन दादी, प्रतियोगिता कैसे होगी? मेरी वाली तो अभी तक आई नहीं है। और अप्पू की भी तो लानी पड़ेगी। अरे अप्पू तो बच्चा है यार, मैं तो बड़ा हूं, मेरी वाली तो आ जानी चाहिए थी अब तक। जब तक मेरी वाली आएगी नहीं, तब तक मेरी वाली लड़ेगी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कौन किससे कम है? मेरी वाली नहीं है ना तो कोई बात नहीं, मेरी वाली की जगह मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन इच्छा को जीतने ना दूंगा मैं। अरे तू चिंता मत कर ममता, ये प्रतियोगिता तू ही जीतेगी। तेरे हाथ के दही बड़ों के सामने कोई ना जीत पाएगा। दही बड़े? चंचल, तू मालपुहे बनाना। मालपुहे? सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया मां और भाभी को। आज तक इस घर ने बहुओं का प्यार देखा, उनकी एकता देखी है, और आज पहली बार ये प्रतियोगिता वगैरह। आदत नहीं है सब की यार। पर बेचारी दादी, उन्हें तो बहुत दुख होगा। अब क्या बताऊं बब्बल जी, ये सब उस सुरसुरी का किया धरा है, और मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। अच्छा, दादी ने कहा है कि प्रतियोगिता की शुरुआत तुमसे ही होगी।
तो आज का खाना तुम्हें ही बनाना होगा, तो कुछ अच्छा बनाना मेरी पसंद का। प्रतियोगिता शुरू हो गई है और अम्मा जी ने कहा है कि पहले इच्छा खेलेगी। अगर ये राउंड इच्छा जीत गई तो? जीत तो सकती है, वो अच्छा खाना भी बना लेती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमें कुछ करना होगा, हमें भी अपने फन और पूछ हिलाने होंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमें भी अपने हाथ पैर हिलाने होंगे। हम क्या कर सकते हैं, खाना तो वो बनाएगी। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं माँ जी, ये गलत है। अरे ममता, कुछ भी गलत नहीं है। वो कहावत है ना, तुम इंसानों में क्या कहते, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। हम इंसानों में मतलब माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आपने नींद अच्छे से ली है ना, आज आप कैसी बातें कर रही हैं, फन पूछ और अब ये। अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी हम कहना चाहती थी तुम निकल गया है ना। मैं तो कह रही थी कि हम इंसानों में वो कहावत है ना, ये मैं कह रही थी। तू शब्दों पर ध्यान क्यों दे रही है, हाँ सिर्फ मतलब समझा करना। वो तो मैं समझ गई हूँ माँ जी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, धोखाधड़ी से जीतने का क्या फायदा। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ममता हम वहां रसोई में चलकर देखते हैं ना कि वो क्या पका रही है, उस हिसाब से हम भी अपनी तैयारी करेंगे ना। अरे हमें आसानी होगी। नहीं नहीं माँ जी। अरे कुछ गलत नहीं है, चल तो चल 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 ना चल 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 चल। दादी से जाकर बात करता हूँ, चारी बड़ी दुखी होगी। ले छोटे। ये क्या है? मारी वसीयत। मैंने इसमें अपने हिस्से की इकलौती जवान भैंस, अपने बैंक में जमा 125 रुपए, 4 लंगोट और 2 लोटा दूध सब तेरे नाम कर दिया है। क्या? लेकिन आपने ये। अरे वो सब छोड़ छोटे, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। ये जो बहुओं के बीच में प्रतियोगिता हो रही है ना, उसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा किसी को कुछ ना पता। अगर ममता हार गई ना तो ज्वालामुखी मारे सर पे फटेगा, पूरा गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगी और मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। छोटे अब इस उम्र में ये घर छोड़ के जाऊंगा तो अच्छा ना लगता ना, तो इसीलिए ये सब अपने पास रख और इच्छा से बोल कि हार जाए। देख वैसे मुझे यकीन है कि ममता ही जीतेगी, पर रिस्क क्यों लेना है। अरे भैया आप भी ना, मैं इच्छा से ऐसे कुछ नहीं कहने वाला। पहली बात तो यह कि मैं इस प्रतियोगिता के ही खिलाफ हूँ। जिराफ? अरे प्रतियोगिता में जिराफ आ रहा है, मुझे किसी ने ना बताया। देख अगर इच्छा जिराफ ला रही है ना तो ममता ऊंट लाएगी और अम्मा हाथी। हाँ, और हम इस घर को चिड़ियाघर बना देंगे, ठीक है। अरे जिराफ ना कह रहा, वो कह रहा है वो खिलाफ है, इस प्रतियोगिता के खिलाफ है। अरे सो तो हम भी खिलाफ है ना, लेकिन प्रतियोगिता तो हो रही है ना। अब हमारे पास अपनी पत्नियों की मदद करने के अलावा और कोई चारा ना है। मुझे पता था ये यही जवाब देगा, इसलिए मैंने प्लान भी सोच के रखा था। प्लान भी? हाँ प्लान भी। हाजिर हो? अरे प्लान भी हाजिर हो? अरे प्लान भी हाजिर हो? क्या है प्लान भी? अरे रो क्यों रहे आप? आपको पता है ना मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, गलती हो गई आदमी से, भूल जाता है आदमी, रोने वाली क्या बात है इसमें। रो नहीं रहा, इशारा कर रहा हूँ, इशारा समझ। प्लान बी। बब्बल, अभी मेरी होने वाली पत्नियां होती तो बात कुछ और होती, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, वो तो बिना लड़े हार जाएगी ना, और जब वो यहाँ आएगी उसे पता चलेगा कि वो पहले से हार चुकी है, तो मेरा क्या हाल करेगी सोच यार।
अरे इच्छा को बोल दे कि वो हार मान ले, वरना मेरी होने वाली पत्नी पत्नी होने से मना कर देगी मेरी यार बब्बल। अरे भैया आपकी वाली जब आएगी तब की तब देख लेंगे, अभी से परेशान क्यों हो रहे हो? अरे होना पड़ता है यार, मेरी होने वाली पत्नी के बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो क्या तू सोचेगा? पहले उसे यार लेकर तो आइए फिर। प्लान बी? अरे प्लान बी भी फेल हो गया, अब क्या करें? आई प्लान एस एस यस। पिताजी आशीर्वाद। अरे नाना, सुबह ही सुबह तुम दोनों को आशीर्वाद देके मैं किसी का दिन ना बिगाड़ सकूं। एक बात बताओ, ये सुबह सुबह किससे कुश्ती लड़ने जा रहे हो भाई? अरे कुश्ती ना पिताजी, सफर पे जा रहे हैं। घने घने जंगलों को पार करते हुए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़कर, जंगली जानवरों को मात देते हुए, सात नदियां पार करके हम। ओ भाई, नींद पूरी ना हुई के तो दिन दहाड़े सपने देख रहा तू? नाना पिताजी, हम वाकई जा रहे हैं, वाकई वाकई। सात नदियां पार करने के बाद वहां पे एक घना जंगल आएगा, उसमें एक विशाल पेड़ है, बेर का पेड़। सुना है वो बेर खाने से ना आदमी की याददाश्त तेज हो जाती है, गूंगा बोलने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, और छोटी हाइट वालों की ना हाइट भी लंबी हो जाती है। ठीक है ठीक है, लगता है वो पेड़ हमारे परिवार के उद्धार के लिए ही बनाया गया है। हाँ पिताजी, इसीलिए तो हम जा रहे हैं ताकि उस पेड़ से बेर तोड़कर। बेर तोड़कर अबे ओ अकल बंद, अपने अकल के ताले तोड़ना बंद करो। देखो इस घर में घनी प्रतियोगिता चल रही है और तुम्हें बेर तोड़ने की पड़ी है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, बेर तोड़ने लायक बनाया, आज उस माँ पर सवाल उठ रहे हैं। बेटे होने के नाते उसके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज ना बनता। कर्ज? अरे कर्ज तो है अम्मा का पिताजी, बचपन में उन्होंने आपकी जेब से पैसे चुरा चुरा के हमें कितनी सारी आइसक्रीम खिलाई हैं। तुम्हारी माँ का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है मेरे बच्चों, कम से कम उस आइसक्रीम का लिहाज करो, अपनी माँ की मदद करो ये प्रतियोगिता जीतने में। बहुत कशमकश है पिताजी, एक तरफ अम्मा है एक तरफ लुगाई। अगर तेरी अम्मा हार गई ना, तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा भाई। अगर पिताजी आपकी बहू हार गई ना, तो ज्वालामुखी फूट जाएगा हमारे सर पे, कोप हो जाएगा कोप। तू अपने बाप के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकता के? अरे देने को तो अपनी जान भी दे सकता हूँ पिताजी, लेकिन फिर सोचता हूँ कि आप तो अपनी शादीशुदा जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन मेरी तो अभी बहुत बाकी है। पिताजी मेरी मानो तो आपको भी अपनी बहू का ही साथ देना चाहिए। जब से वो इस घर में आई है आपको रोज लस्सी पिलाई है, वो भी शाही पटियाला गिलास में। अरे कम से कम उस लस्सी का तो लिहाज करो। अरे देख छोरे, ममता जीते या चंचल के पर पड़ता है, हमारे लिए इच्छा का हारना जरूरी है, हम सबको मिलकर इच्छा को मार देनी है। अरे ये तो गलत है पिताजी। अरे नाना छोरे, इच्छा को पूरा ना हराएंगे, बस थोड़ा सा। देख ममता और चंचल के सामने इच्छा थोड़ी सी कम पड़ जाए बस, भाई घर की शांति भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप पिताजी, थोड़ा सा ही सही, लेकिन इच्छा का हारना बहुत जरूरी है। लौकी के कोफ्ते बना रही है। क्या बात कर रही है, लौकी के कोफ्ते तो दादी को बहुत पसंद है। तभी तो जितनी भोली भाली दिखती है ना, उतनी है नहीं।
इसलिए तो अम्मा जी को खुश करने के लिए उनकी पसंद का खाना बना रही है। ममता, हमें कुछ करना होगा। इच्छा, बब्बल बुला रहा है। लेकिन नमक कम है, कौन है? क्या हुआ? नमक कम था। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? थैंक यू ममता दीदी। नहीं नहीं, आप शर्मिंदा मत होइए। आपने बिल्कुल सही किया जो सब्जी में नमक डाल दिया। वैसे भी मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि सब्जी अच्छी बने। मुझे नहीं जीतनी है ये प्रतियोगिता। आज ये प्रतियोगिता जीत लूंगी और कल इसके बदले कितने सारे रिश्ते हार जाऊंगी। माँ जी, दीदी, आदर्श गृहिणी कहलाना अलग बात है और होना अलग बात है। मुझे प्रतियोगिता जीतकर ये खिताब नहीं कमाना। मैं आपकी नजरों में अपने लिए वो जज्बात देखना चाहती हूँ। यकीन मानिए दीदी, मेरे लिए दुनिया का कोई भी खिताब आपके प्यार और विश्वास से ज्यादा कीमती नहीं है। वो क्या कहते हैं तुम इंसानों में, मुंह में राम बगल में छुरी। इंसानों में? हम इंसानों में। तू बातों पर ध्यान मत दे, मतलब समझ। वैसे तो हमारे सामने बड़ी भोली भाली महान बनी फिरती रहती है, मीठी मीठी बातें करती रहती है, लेकिन जैसे हमारी पीठ मुड़ी कि बस हमारे खिलाफ अम्मा जी के सामने जहर उगलना शुरू। माँ जी, मुझे लगता है ममता तो बड़ी भोली है। ये मत भूल कि आज इसी की वजह से अम्मा जी हमें पहले जैसा प्यार नहीं करती। और इच्छा, एक बात सुन ले, हमें अम्मा जी से दूर करके तू कभी खुश नहीं रहेगी। चल ममता। ये सुरसुरी ने फन में दम कर रखा है, इसे जल्द से जल्द निपटाना होगा। आज इसी की वजह से घर की बहुओं में तनाव है, कल घर के भाई झगड़ेंगे, घर अलग होगा। नहीं, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी।